देखिए यहाँ पर हम लोग आज एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइंड मैप एक्टिविटी। माइंड मैप यानी हमारे माइंड का नक्शा, जहन में हमारे जो नक्शा होता है उसमें हम क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। तो सोचना ये है कि यहाँ सर्कल में जो वर्ड लिखा हुआ है उससे हमको रिलेटेड वर्ड लिखने, क्या करना है, रिलेटेड वर्ड्स। अब यहाँ है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड लिखना है, ठीक है। चलिए हाथ ऊपर कीजिए। गणेश आगे फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड लिखो। हम लोग इसके ये रिलेटेड वर्ड हमने किताब में कई मरतबा कर चुके हैं, है ना। फायर रिलेटेड वर्ड्स लिखते थे ना, बस उसको चेंज करके माइंड मैप एक्टिविटी बना दिया गया। समझ में आया? चलो मुमताज, वेरी गुड। प्लांट्स क्या लिखा है? प्लांट्स, वेरी गुड। प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पौधा। पौधा क्या लिखे आपने? जोर से बोलो। रिवर। रिवर, वेरी गुड। क्या लिखे है? रिवर। रिवर किसको कहते हैं? नदी को, है ना। चलिए आइए सुमैया। फॉरेस्ट में एनिमल्स तो सबसे पहले रहते हैं ना, वेरी गुड। क्लैप करो। चलो आगे। रॉक किसको कहते हैं मालूम है? रॉक जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। साहिबा क्या लिखे आपने? ट्रीज। ट्रीज यानी पेड़। वेरी गुड। असलान माउंटेन। माउंटेन की स्पेलिंग क्या है बेटा, कौन बताएगा? एक मिनट आओ, नगमा सही करो। माउंटेन किसे कहते हैं? पहाड़। वेरी गुड। आई पहले आएगा के पहले आएगा? वेरी गुड। माउंटेन की स्पेलिंग क्या है? वेरी गुड। तो यहाँ हमने फॉरेस्ट से रिलेटेड कितने वर्ड लिखे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 7 एरोस बनाए थे, तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 7 वर्ड्स है। अभी ये एक हो गया, अब इसको इसकी प्रैक्टिस करो, फिर इसको बाद में करो।